हेलो दोस्तों क्या हाल चाल आपके सी एम ए सिलेबस दो मर्जर एंड एक्विजिशन में एक लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है फाइनेंशियल मॉडलिंग आज हम अपनी क्लास में दोस्तों आज इसे डिस्कस करेंगे थ्योरी आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे प्रैक्टिकल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे देन जाके ये मर्जर एंड एक्विजिशन पूरा स्टडी नोट नाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा भाई टॉपिक का नाम क्या है जी फाइनेंशियल मॉडलिंग मैं आपको एक रूपरेखा बता देता हूं प्रैक्टिकल लाइफ में इस फाइनेंशियल मॉडलिंग का बहुत ज़्यादा यूज है फाइनेंशियल मॉडल के नाम से ये मार्केट में जाना जाता है कि हर बिजनेसमैन हर फाउंडर अपने बिजनेस का फाइनेंशियल मॉडल बनवाना चाहता है कि आने वाले पांच सालों में हमारी कंपनी कहाँ पर होगी आने वाले पांच सालों में हमारी कंपनी किस लेवल पर सेल करेगी प्रॉफिट अर्न करेगी हमारा मार्केट शेयर क्या होगा हमारी वैल्यूएशन क्या होगी हमारा बिजनेस मॉडल क्या है क्या हमारी स्ट्रेटेजी है तो ये सारी चीजें आपको फाइनेंशियल मॉडल में देखने को मिलती हैं तो फाइनेंशियल मॉडल एक सिंपली अगर हम बात करें अपने अकाउंटेंट की भाषा में तो फाइनेंशियल मॉडल नियर फ्यूचर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिडिक्शन करनी है तो आइए फाइनेंशियल मॉडलिंग में आपको दिखाता हूं थ्योरी पूरी की पूरी ध्यान से देखिएगा फाइनेंशियल मॉडलिंग अभी मैं पहले ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा था पता नहीं किसी रीजन से क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई मैं पढ़ाता गया पढ़ाता गया फिर मैंने देखा जब मुझे यूट्यूब पे अपलोड करनी थी रिकॉर्डिंग तो हुई नहीं तो मैंने जो सारा लिख रखा था दोबारा आपको समझा देता हूं कोई दिक्कत नहीं है तो फाइनेंशियल मॉडलिंग फाइनेंशियल मॉडल के नाम से जाना जाता है यस सर जाना जाता है बहुत बढ़िया अब ये फाइनेंशियल मॉडल जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखेंगे तो एक्सेल शीट मॉडल एक्सेल शीट पे बनता है एक्सेल शीट पे इसको आपका इंस्टीट्यूट का मेटीरियल स्प्रेड शीट मॉडल बोलता है तो एक्सेल शीट मॉडल बोलो स्प्रेड शीट मॉडल बोलो या फाइनेंशियल मॉडल बोलो तीनों बातें एक ही है इसलिए घबराना नहीं अब दूसरी बात सुनेंगे मेरी जो भी फाइनेंशियल मॉडल होगा वो हमें बताएगा क्या तो वो हमें बताएगा कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स इन क्वांटिटेटिव टर्म्स बहुत सिंपल है देखेगा इल स्टेट ए कंपनी लाइकली फाइनेंशियल रिजल्ट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स फाइनेंशियल मॉडल हमें नियर फ्यूचर के फाइनेंशियल रिजल्ट क्वांटिटेटिव टर्म्स में बताएगा बहुत अच्छे जी इसके बाद जो फाइनेंशियल मॉडल में होगा जो फाइनेंशियल मॉडल में पूरे फाइनेंशियल की एनालिसिस की जाएगी फ्यूचर के फाइनेंशियल की एनालिसिस की जाएगी वो दो बेसिस पे होती है फाइनेंशियल मॉडल का पर्पज और फाइनेंशियल मॉडल बनना वो दो चीजों को शामिल करता है एक फॉरकास्टिंग एक तो भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज ए पी एंड एल और बैलेंस शीट की फोरकास्टिंग और दूसरा दोस्तों उस फोरकास्टिंग के बेसिस पे उसकी क्या करना बिजनेस और कंपनी की वैल्यूएशन करना और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ये फोरकास्टिंग और वैल्यूएशन की बात होगी वो जर्नली वैल्यूएशन हम फ्री कैश फ्लो के बेसिस पे करते हैं और फ्री कैश फ्लो हमने अपने अदर क्लासेज में बहुत सीख रखे हैं बाकी इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां भी आ जाएगा लेकिन अदर पूरे बिजनेस वैल्यूएशन के कोर्स में हमने फ्री कैश फ्लो निकालने की बहुत सारी चीजें सीखी हुई है बहुत जगह यूज भी किया हुआ है तो फाइनेंशियल मॉडल एक बार मैं आपको आपके स्टडी मटेरियल से दिखाता हूं क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है तो चीजें स्टडी मटेरियल से एक एक लाइन रीड करना शुरू कर दो तो फाइनेंशियल मॉडलिंग इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्प्रेड शीट मॉडल्स दैट इज एक्सेल शीट मॉडल एक्सेल का यूज किया जाता है फाइनेंशियल मॉडल को क्रिएट करने में ये क्या करता है इलस्ट्रेट ए कंपनी लाइकली फाइनेंशियल रिजल्ट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स ये आपको बड़े ध्यान से यहां पर देखना है मेरे दोस्तों फिर इसके बाद होता है कि मोस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टेक आर अंडरटेकन विद ए फॉरवर्ड लुकिंग मतलब फ्यूचर की चीजों को ध्यान में रख के ही इसकी प्रिडिक्शन इसको बनाया जाता है फ्यूचर में डिसीजन लेने के लिए और अगर हम इसके एनालिसिस की बात करें तो दो चीजें फोरकास्टिंग और वैल्यूएशन शामिल होती है और वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो फ्री कैश फ्लो लिए जाते हैं अब दूसरी बात भाई फाइनेंशियल मॉडल एक तरीके से क्या है जर्नली नेक्स्ट फाइव ईयर का कंपनी के प्लान को ध्यान में रख के एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना एक फोरकास्टिंग uh, करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एस्टिमेटेड एस्टिमेशन के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना अब बात आती है अब बात आती है कि भैया क्या क्या फीचर्स होती हैं एक अच्छे फाइनेंशियल मॉडल की अब आपने देखा होगा शार्क टैंक में भी आपको फाइनेंशियल मॉडल अपने बिजनेस फाउंडर शार्क को समझाते हुए नजर आते हैं कि हम आने वाले पांच साल में ये सेल कर पाएंगे कैसे कर पाएंगे वो भी बताते हैं तो ये सब फाइनेंशियल मॉडल्स हैं क्या क्या इनपुट है क्या क्या जम्शन है, क्या क्या है वो सब आपको फाइनेंशियल मॉडल में मेंशन करनी चाहिए लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे फाउंडर अपने बिजनेस को सही से नहीं समझा पाते तो शार्क उनको बेस्ती करके भगाते हैं जहां पर फाइनेंशियल मॉडल उन्हें समझ आ जाता है वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो जाते हैं तो कहने का मतलब क्या फाइनेंशियल मॉडल की कुछ विशेषताएं हैं कुछ ना कुछ गुण है क्या क्या गुण होने चाहिए एक अच्छे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये हम देखेंगे तो भैया एक अच्छे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो जो गुण होने चाहिए वो एक बार मैं आपको बता देता हूं गुड फाइनेंशियल मॉडल सबसे पहली बात रियलिस्टिक होना चाहिए मतलब ऐसे नहीं हवा में बातें हो आज तो आप एक लाख रुपए की सेल और कहते हो अगले साल एक या दस करोड़ बीस करोड़ सौ करोड़ की कर देंगे एक साल में मतलब जो भी आप कहो रियलिस्टिक होना चाहिए रियल में दिखना चाहिए कि हां अभी तक हमने इतना किया है तो अब इतना होगा एरर फ्री होना चाहिए किसी तरह की गलत और झूठे, भ्रामित विंडो ड्रेसिंग जैसी चीजें शामिल नहीं होनी चाहिए तीसरा आता है फ्लेक्सीबल अब ये थ्योरी आप खुद पढ़ के अपनी समझ वहां से क्रिएट करेंगे जिससे आप एग्जाम में अगर ये थ्योरी आए तो आप लिख पाए मेरे दोस्तों फ्लेक्सीबल फ्लेक्सीबल का मतलब कल को उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं कई बार इन्वेस्टर क्या होता है कुछ कंडीशन लगा देता है कि इतना नहीं हुआ तो इतना होगा तो क्या होगा तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए हम उसे इजी टू चेंज कर पाए फ्लेक्सिबल का मतलब ईजी टू चेंज ठीक है ना देन उसके बाद इजी टू यूज भाई हर किसी की समझ में आने वाला होना चाहिए आसानी से उसका प्रयोग किया जाना चाहिए अब एक्सल शीट के अंदर जब आप बनते हैं ना दोस्तों तो उसके एक्सल फॉर्मूले होते हैं तो वो फॉर्मूले भी अंडरस्टैंडेबल फॉर्मूले होने चाहिए ज्यादा हाई फाई या एक ऐसे फॉर्मूले नहीं होने चाहिए जो कॉम्प्लेक्स हों, जो चीजों को ईजी टू यूज या इजी टू समझाने में प्रॉब्लम क्रिएट करें मिनिमम हार्ड कोडिंग मिनिमम हार्ड कोडिंग का मतलब शॉर्ट फॉर्म या अपने कोड वर्ड में उसके अंदर ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन मतलब एकदम खुल के सारी चीजों को एक्सप्लेन करना चाहिए हार्ड कोडिंग का मतलब कि वहां पर जो शॉर्ट फॉर्म होंगी या जो टेक्निकल टर्म होंगी उनकी शॉर्ट आपको यूज नहीं करनी है मिनिमम हार्ड कोडिंग कम से कम और गुड डॉक्यूमेंटेशन का मतलब एक प्रॉपर वे में आपको उसे प्रेजेंट करना है सारी एजम्शन सारे इनपुट चीजें जो भी यूज आपने की है उसको बनाने में तो ये सारी चीजें वहां पर मेंशन होनी चाहिए कि हमने पास थ्री इयर्स का हिस्टोरिकल और कंपनी के फर्दर फाइव इयर्स के फ्यूचर प्लान को ध्यान में रखते हुए ये बातें डिसाइड की हैं तो भैया यहां पर देखते हैं कि एक अच्छा फाइनेंशियल मॉडल क्या होना चाहिए रियलिस्टिक होना चाहिए एरर फ्री होना चाहिए फ्लेक्सीबल इजी टू यूज ईजी अंडरस्टैंडेबल फॉर मिनिमम हार्ड कोडिंग बहुत सिंपल सिंपल है एक एक लाइन लिख भी होगा एग्जाम में तो जितना अगर थ्योरी आई है तो आप कराएंगे गुड डॉक्यूमेंटेशन आओ अब इसके बाद बात आती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फोरकास्टिंग कैसे होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फोरकास्टिंग का मतलब है कमिंग नियर फ्यूचर जर्नली ये पांच सालों के होते हैं जर्नली पांच साल ही हम फ्यूचर के काउंट करते हैं क्योंकि इंडिया में सरकारें भी पांच साल के बाद चेंज हो जाती है तो ये पांच साल एक इकोनॉमिक साइकिल माना गया है जर्नली प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फोरकास्टिंग करना अब भाई कोई भी फाइनेंशियल मॉडल बना के दो अगले पांच सालों का एस्टिमेशन वैसे तो आप क्या करेंगे आप उसको सबसे पहले कहेंगे कि भैया आप कब से काम कर रहे हैं पहले उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअल जो आपने हिस्टोरिकल बनाए हैं वो दिखाओ दो तीन सालों के आपने क्या सेल करी है क्या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है आपका क्या बिजनेस मॉडल है क्या आपके इंप्लॉई है क्या आपके अदर खर्चे हैं क्या आपका डेप्रिसिएशन है क्या आपका स्टॉक इनक्रीज डिक्रीज है ये सारी चीजें तो कहने का मतलब क्या कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फोरकास्टिंग है वो तीन चीजें आपको देखनी होंगी तभी जाके आप उसकी फोरकास्टिंग कर पाएंगे सबसे पहला हिस्टोरिकल डाटा सबसे पहला हिस्टोरिकल डाटा भाई साथ के साथ फिर आपको ये देखना होगा कि कंपनी के प्लान क्या है कंपनी किस परसेंटेज की रेट से ग्रो कर सकती है कंपनी कैसे आगे कितने परसेंट से बढ़ेगी अब सबसे ज्यादा तो मोस्ट इंपोर्टेंट है जो फाइनेंशियल मॉडल एक फॉर्मेट फॉर्मेट में बनाए जाते हैं उस का नाम होता है कॉमन कॉमन साइज साइज स्टेटमेंट स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल होती है जैसे आप वर्टिकल पी पियडल वर्टिकल बैलेंस शीट बनाते हैं ऐसे ही कॉमन साइज स्टेटमेंट होती है बस कॉमन साइज स्टेटमेंट में वर्टिकल पी पियडल वर्टिकल बैलेंस शीट के प्लस इन एडिशन टू एक अदर कॉलम और होता है जहां पर परसेंटेज टर्म्स में शो किया जाता है परसेंटेज टर्म्स में कैसे जैसे पी एल अकाउंट अगर हम बना रहे हैं जैसे हम एल अकाउंट बना रहे हैं तो पी एंड एल अकाउंट की हर आइटम को इज टेकन एज परसेंटेज ऑफ टोटल रिवेन्यू कि भैया जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो टोटल सेल का कितने परसेंट है है इम्प्लॉ बेनिफिट एक्सपेंसि कितना है डेप्रिशिएशन कितना मतलब परसेंटेज टर्म्स में बताना और ये परसेंटेज टोटल रिवेन्यू के फॉर्म में निकलेगी और बैलेंस शीट की जितनी भी आइटम होंगी उसको परसेंटेज टर्म्स में शो किया जाएगा टोटल एसेट एवरी आइटम इज टेकन एज परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स तो आओ मैं दिखाता हूं आपको देखेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फोरकास्टिंग ध्यान से देखेगा द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग इज टू क्रिएट परफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट परफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब वही दोस्तों फ्यूचर की प्रोडिक्शन करना प्रोजेक्शन के बेसिस पे वो प्रोजेक्शन फाउंडर बताएंगे कि आने वाले समय में कितने कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में है क्या हम सेल करना चाहते हैं कितनी जल्दी ग्रो करेंगे वो सब कुछ अब इसके लिए क्या एक तो हिस्टोरिकल डाटा हिस्टोरिकल डाटा आपका क्या है वो आपका काम आएगा दूसरी बात कंपनी की क्या स्ट्रेटेजी है कंपनी के क्या प्लान्स हैं क्या ग्रोथ हो सकती है और तीसरा है कॉमन साइज स्टेटमेंट मैंने आपको बताया एक वर्टिकल एल बैलेंस शीट के अलावा परसेंटेज टर्म्स में आपको शो करना है अपने फाइनेंशियल मॉडल को और जो वो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट का नाम है जी कॉमन साइज स्टेटमेंट्स जैसे कोई भी एल बैलेंस शीट होता है ना तो उस एल बैलेंस शीट को जब हम फाइनेंशियल मॉडल बनाते हैं तो बस उसको क्या करना है ये एसेट जो है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ये परसेंटेज और कर देना कॉमन साइज परसेंटेज इसलिए करते हैं कि आज हमारी इतनी सेल है तो सीओजीएस इतना और कल को सेल हमने बढ़ाई परसेंटेज क्या हुई नहीं हुई कॉस्ट ऑफ गुड सेल थोड़ा सा बढ़ा क्या रेट बढ़ गए या पहले आप कम पे खरीद रहे थे तो अब ज्यादा पे खरीदना शुरू कर दिया तो ये सब चीजें एक परसेंटेज अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं परसेंटेज अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो थोड़ा सा ईजी टू अंडरस्टेंडेबल हो जाता है तो बेसिकली फाइनेंशियल मॉडल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फोरकास्टिंग है उनका एस्टिमेशन ही है और ये सारा एस्टिमेशन हम प्रेजेंट करते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट में कॉमन साइज स्टेटमेंट सिंपली वर्टिकल एल वर्टिकल बैलेंस शीट होते हैं इन एडिशन टू

तो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा सोल्ड ये रहा फाइनेंशियल मॉडलिंग लेंगे सोल्ड सी टू डी सॉफ्टवेयर लिमिटेड सॉफ्टवेयर कंपनी द कंपनी फॉलोइंग फाइनेंशियल ये आपको दे रखे हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है अदर इनकम क्या है ये सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे मेरे दोस्तों तब तक के लिए टाटा बाय बाय और लास्ट में एक बार कह दो कि फाइनेंशियल मॉडल सिंपली क्या है नेक्स्ट फ्यूचर्स ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फोरकास्टिंग देन उनके बेसिस पे उसकी वैल्यूएशन, ठीक है जी